चार गेंदे पांच रन जीत के लिए चाहिए सेट बैट्समैन रहमान, यहाँ पर शॉट, यहाँ पर खेला, यहाँ पर गेंद ऊपर गया, हवा में, अभी क्या होगा। हेलो गाइस, तो आज फाइनली हम डिफिकल्टी हार्ड में खेलने जा रहे हैं, तो मेरी टीम होगी ब्रिस्बेन, तो हम खेल रहे हैं वर्ल्ड सीरीज 3 और आज का मुकाबला हो रहा है ब्रिस्बेन वर्सेस पर्थ, यह है बिग बैश लीग का मुकाबला। तो चलिए सबसे पहले टॉस करते और टॉस मुझे जीतना ही होगा, तो मैं इतना मतलब डिफिकल्टी हार्ड है तो मतलब कुछ तो एडवांटेज हमें चाहिए होगा, तो टॉस इस बार क्या जीत पाए जी, बिल्कुल टॉस जीते तो पहले करेंगे हम गेंदबाजी, और पहले मतलब गेंदबाजी करने का यही फ़ायदा होता है कि बाद में हमें पता है जो कितना स्कोर है जो वो उस हिसाब से हम बैटिंग कर सकते हैं। तो चलिए पहला ओवर यहाँ पर मैंने दे दिया मॉर्नी मॉर्कल को, और पहली गेंद यहाँ पर डॉट डिलीवरी, तो आगे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गेंद में शॉर्ट गेंद ही रखने की कोशिश करूँगा, तो जितनी भी आगे गेंद करें तो मतलब बाउंड्री लगने के चांसेस है। तो यहाँ पर तीसरी गेंद में ही हमें शायद बाउंड्री लग जाएगी जी, बिल्कुल से पीछे कोई फील्डर होगा नहीं, पावर प्ले चल रहा है इसी वजह से मतलब दो ही फील्डर यहाँ पर, इतनी जल्दी फील्ड भी हो भाई, मतलब पहले ओवर में गलत सीन हो गया थोड़ा, चलो तो कोई बात नहीं, देखते क्या होता है। वो भाई इसको कवर पे, और तो यहाँ एक और बाउंड्री मिलेगी, तो चलो पहले तीन गेंदों ही 9 रन तो बन गए, मतलब पर्थ के किसी तरह से आगे हमें कुछ अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। तो ये बढ़िया डॉट डिलीवरी यहाँ पर, तो चलो यहाँ पर फिर से मतलब गुड लेंथ पे गेंदबाजी रखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, यहाँ पर 2 रन मिलेंगे, तो चलो अभी 31 रन हो चुके हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अभी तक हुई कह सकते हैं हम, क्योंकि मतलब रन बिल्कुल दिए नहीं हमने, यहाँ पर ये गेंद मतलब दिखाई क्यों नहीं दे रही है। और ये तो 6 रन में जाके हो भाई, मतलब क्या ये गेंद तो सीधी जाके गिरी थी, अंपायर यहाँ पर 4 रन दे रहे हैं, आप देख सकते हैं सीधी गेंद 6 के लिए चली गई बट अंपायर आपने 4 रन दे रहे हैं, मतलब क्या बात है ये, तो जाने हमें क्या करना है, हमें तो अच्छा ही यहाँ पर ये तो 6 रन में जाने वाले भाई, मतलब स्पिनर को तो मतलब धावा बोल दिया है, तो अभी क्या गेंदबाजी करनी चाहिए हमने। तो चलो यहाँ पर सीधी गेंद रखने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर फिर से उठा के दिया तो यहाँ फिर से बाउंड्री मिलेगी, यानी कि और एक बाउंड्री है, मतलब अभी तो थोड़ी धुलाई चल रही है, देखना होगा फिर से मॉर्नी मॉर्कल को मैं लेके आयो, ये एक बढ़िया गेंदबाज है हमारे पास। तो चलो यहाँ पर बिल्कुल हिट होगा, यहाँ पर जाके सीधा हिट होगा ये जी, बिल्कुल क्या रन आउट मिलेगा, यस डायरेक्ट हिट हो चुका और रन आउट मिलता है जी, बिल्कुल से मतलब इससे पहले भी मैंने कई सारे डायरेक्ट हिट किए बट रन आउट मिला नहीं था, अगर फर्स्ट टाइम रन आउट मिल गया तो फिर से देखते यहाँ पर एक सिग्नल ही बनाएंगे शायद, क्योंकि यहाँ पर पीछे का फील्डर नज़दीक होता है, यहाँ पर 2 के लिए दौड़ते नहीं हो, यहाँ पर डायरेक्ट सीधा पैरों के नीचे से, तो रिवर्स स्विंग करेंगे इस बार, देखते क्या होता है, और यहाँ पर सिग्नल मिलेगा। तो अभी पर्थ की इनिंग की आखिरी ओवर, यहाँ पर किस तरह की बैटिंग, मतलब हमें तो अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, ज़्यादा से कम रन देने होगी लास्ट ओवर में भी, तो वही कोशिश करेंगे यार, नॉट आउट देंगे अंपायर। तो चलो इस इनिंग की आखिरी गेंद देखना होगा कितने रन यहाँ पर बना पाते, क्या बाउंड्री लगाएंगे जी, बिल्कुल बाउंड्री तो नहीं लगेगी बट 2 रन भी यहाँ पर रुकेंगे नहीं किसी भी तरह से, ये डायरेक्ट हिट क्या हो पाएगा, डायरेक्ट हिट नहीं हो पाएगा बट यहाँ पर 2 रन मिल जाएगी जी बिल्कुल से, और यहाँ पर कोई रन आउट मिलेगा नहीं। तो चलो गाइस हमें मिल गया टारगेट, है लगभग हमें कितना टारगेट था, 142 यहाँ पर, यानी 142 रन यहाँ पर बना लिए, 5 विकेट खो के पर्थ ने, और हमारी टीम में ब्रिस्बेन क्रिस लिन यहाँ पर ओपनर है हमारे, और उनके साथ में जोस, मतलब ये जोस फिलीप है, मतलब बस इस गेम में उनका नाम थोड़ा अलग रखा है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं किस तरह की बैटिंग हम कर पाते, यहाँ पर सिंगल बनेगा या डबल के लिए ट्राई, सिंगल ही बनाएंगे, अभी कोई रिस्क लेंगे नहीं, इतना 2 रन भी यहाँ मिल सकते बट कोई रिस्क लेने की ज़रूरत है नहीं, टारगेट ठीक ठाक, इस बार फुल टॉस इस पे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, और ये गेंद जाएगी बिल्कुल से इस फील्डर के ऊपर से 4 रन के लिए। तो चलो बाउंड्री भी हमें निकल चुकी है, आसानी से बाउंड्री हमने निकल ली, फुल टॉस गेंद की थी उसका फ़ायदा तो हम उठाने वाले थे भैया। तो चलो भैया यॉर्कर करने की कोशिश ले भैया, ये क्या कड़क शॉट लगाया भैया, 4 रन के लिए गेंद जाएगी, मतलब कितना छोटी सी गैप में से निकाला इस बार, वो बहुत ही बढ़िया शॉट था वो वाला। ओ भाई ये क्या हुआ है, मतलब क्या गेंद की भैया, मतलब कहाँ से निकल गया मुझे पता ही नहीं चला, क्रिस लिन की विकेट हमने गंवा दी, सीधा बॉडी कर दिया, मतलब बहुत ही गलत तरीके से विकेट गंवा दिए। तो चलो यहाँ एक और बाउंड्री जरूर निकलेगी, तो अभी तक तो अच्छी बैटिंग मतलब हम कर रहे हैं ठीक ठाक, मतलब ज़्यादा रिस्क ले नहीं रहे, यहाँ पर क्या बाउंड्री मिलेगी जी, बिल्कुल से 4 रन मिलेंगे, यहाँ पर अच्छा शॉट था और कमाल की टाइमिंग उसी के साथ में। तो चलो इस बार एक गैप में गेंद कही है, यहाँ पर 2 के लिए ट्राई करेंगे, और फील्डर तो कोई आ नहीं रहा है, 3 के लिए ट्राई कर लेते भैया, तो 3 रन भी यहाँ पर बड़े आसानी से भैया, मतलब बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो ऐसे एक और बात, अगर आप चैनल पे न्यू है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और उसी के साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट कर देना,
आपका फेवरेट क्रिकेट गेम कौन सा है, या मतलब वर्ल्ड सीरीज 3, रियल क्रिकेट 20, या फिर क्रिकेट 19, या वर्ल्ड सीरीज 2, ऐसे कई तरीके के गेम है, आपको कौन सा गेम खेलना पसंद है, तो उस तरह के आप कमेंट कर सकते हो। यहाँ पर हमें एक स्टंपिंग यहाँ पर एक प्लेयर के हमने करवा दिया, इस बार गलत सीन हुआ, एक और विकेट गवा दी। मतलब अभी तो यहाँ पर मतलब 64 गेंदों में 91 रन चाहिए, मतलब लगभग 9 रन और प्रति चाहिए, मतलब अभी तो और तेज खेलने की जरूरत है। ये गलत शॉट है भैया, बहुत ही गलत शॉट है, मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो अभी सेट बैट्समैन की विकेट हमने गवा दिया, अभी क्या करना होगा कुछ समझ नहीं आ रहा। तो चलिए यहाँ पर एक सिंगल डबल में खेलने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा रिस्क लेंगे नहीं, यहाँ पर 2 रन बड़े आसानी से हमें मिलेंगे। 143 का यहाँ पर टारगेट है, 55 रन की यहाँ पर पार्टनरशिप हो चुकी है, 18 गेंदे 25 रन अभी जीत के लिए चाहिए, यानी कि मुकाबला रोमांचक के मतलब बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। तो चलो यहाँ पर देखते क्या है, यहाँ पर चलो गैप पे निकल गए, बिल्कुल से इस गैप में निकलने की मैंने कोशिश की थी, और ये गैप मतलब इस बार बाउंड्री की ज़रूरत थी, ये बाउंड्री तक जाएगी यानी, बट चलिए ये बढ़िया से यहाँ पर, और इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी इस बार हमें। तो चलिए मुजफ्फर रहमान यहाँ पर अपनी 5 सेंचुरी के नज़दीक है, तो किसी तरह से उनकी 8 सेंचुरी कंप्लीट करेंगे। 7 गेंदे 11 रन, इस गेम में 2 रन बनेंगे, तो आखिरी ओवर में आने चाहिए होंगे 9 रन, और उसी के साथ यहाँ पर देखना होगा 9 रन अभी भी जीत के लिए चाहिए, मतलब रोमांचक तो है भैया मुकाबला 9 रन, और देखते यहाँ पर ज़्यादा रिस्क लेंगे नहीं, 2 रन यहाँ पर बनाएंगे, अगर मतलब कोई भी शॉट में लॉफ्ट करता हो तो यहाँ पर कैच जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पर, क्योंकि शॉट यहाँ पर डिफ़िकल्टी में, यहाँ पर शॉट यहाँ पर बाहर जा नहीं रहे, बहुत ज़्यादा कम शॉट बाहर जा रहे, तो मुझे रिस्क लेना नहीं होगा। तो चलो उसी के साथ में यहाँ पर एक शानदार हाफ सेंचुरी कंप्लीट, 40 गेंदों में कंप्लीट किए, 2 छक्के 2 चौके, और देखना होगा इस बार रिस्क लिया है। और भाई ये गलत होगा, मतलब मुझे पता था यहाँ पर 2 लेट शॉट यहाँ पर, और बहुत ही गलत यहाँ पर जी, बिल्कुल से बहुत ही गलत शॉट हुआ, मतलब ऐसे मौके पर विकेट गंवा दिया। अभी 3 गेंदे 5 रन चाहिए क्या यहाँ पर सेट बैट्समैन के पास स्ट्राइक, तो ये यहाँ पर उठा के लगाया, तो फील्डर को क्लियर किया, पिछले फील्डर क्या पकड़ पाएंगे जी, नहीं पकड़ पाएंगे जी, बिल्कुल से आप मात्र 1 रन जीत के लिए चाहिए अभी, और ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आखिरी गेंद 1 गेंद 1 रन, देखना होगा 1 रन तो हम बना पाएंगे जी, बिल्कुल से 1 रन बड़े आसानी से निकलेगा, और उसी के साथ हमने ये मुकाबला जीत लिया, मतलब आखिरी गेंद तक ये मुकाबला गया, कितना ज़्यादा रोमांचक मुकाबला था भैया। तो आखिरी गेंद में फाइनली जाकर ब्रिस्बेन ने यह मुकाबला जीत लिया, तो 6 विकेट से हमने ये मुकाबला अपने नाम किया है, तो मिलते किसी और मुकाबले में।